जिन लोगों ने ये मूवी देख ली है उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये किस मूवी का डायलॉग है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ। ये डायलॉग विकी कौशल ने सरदार उद्धम मूवी में बोला है। विकी कौशल ने इस फिल्म में उद्धम सिंह का किरदार निभाया है। इस फिल्म का निर्देशन सुजित सरकार ने किया है। उद्धम सिंह के किरदार में विकी कौशल ऐसा रच बस गए हैं कि उन पर से नजर नहीं हट रही है। अब चाहे वो भगत सिंह के साथ उद्धम सिंह का तालमेल हो, प्रेमिका के साथ व्यक्तित्व में एक भोलापन हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड को आंखों से देखने का दर्द हो, या अपनों को खो देने के बाद का गुस्सा, विकी कौशल के चेहरे पर आए हर भाव ने लोगों के दिलों को छू लिया है। इस फिल्म के लिए विकी कौशल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत 1931 के पंजाब से शुरू होती है, जहां जेल में बंद उद्धम सिंह को रिहा किया जाता है। पुलिस की उन पर कड़ी निगरानी रहती है, लेकिन वो किसी तरह चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं और लंदन पहुंचने के लिए संपर्क जुगाड़ने लगते हैं। अलग अलग देशों से होते हुए 1934 में लंदन पहुंचते हैं और वहां मौजूद क्रांतिकारी भारतीयों से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। उनकी मदद से उद्धम सिंह अपने लिए पिस्तौल का इंतजाम करते हैं। 6 सालों तक वहां लंदन में अलग अलग नौकरी करते हैं। इस बीच उन्हें पता चलता है कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैंगस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां माइकल ओ डायर भी आमंत्रित है। उद्धम सिंह अपनी किताब में बंदूक छिपाकर यहां पहुंचते हैं और माइकल ओ डायर पर 6 की 6 गोलियां बरसा देते हैं। तुरंत ही वहां मौजूद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है और फांसी की सजा सुनाई जाती है। हाथ में भगत सिंह की तस्वीर पकड़े उद्धम सिंह फांसी पर चढ़ जाते हैं। इस बीच फ्लैशबैक में हमें उद्धम सिंह की जिंदगी के अलग अलग पड़ाव भी देखने को मिलते हैं। 17 से 18 की उम्र में उनमें एक भोलापन नजर आता है, फिर धीरे धीरे वो भगत सिंह की बातों से प्रभावित होते हैं और आजादी की लड़ाई का जुनून सिर पर चढ़ता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उद्धम सिंह के व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आता है। अमृतसर में 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर, उस नरसंहार को अपनी आंखों से देखकर दर्द और गुस्से से भरे उद्धम सिंह प्रण लेते हैं कि वो उस वक्त रहे पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को मार गिराएंगे। इस प्रण को पूरा करने में उन्हें 21 साल लग जाते हैं। ये तो रही फिल्म की कहानी। देश के शूरवीर क्रांतिकारी सरदार उद्धम सिंह की ये कहानी दिल को वाकई छूने वाली है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश कई घटनाओं से गुजरा था। कुछ घटनाओं पर चर्चा हुई, जबकि कुछ इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई। उद्धम सिंह की कहानी भी उन्हीं दबे पन्नों में से एक है जो अब बाहर निकल कर आई है। वहीं सरदार उद्धम के रोल में विकी कौशल ने शानदार अभिनय किया है, तो ये बात तो पक्की है कि आप इस फिल्म से बोर नहीं होंगे। ये फिल्म भी आपको उतनी ही पसंद आएगी जितनी लोगों ने उरी को पसंद किया था। बॉलीवुड ब्रेक की तरफ से तो सरदार उद्धम को 3.5 स्टार मिलते हैं। अब आप भी ये मूवी देखिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी तरह की बॉलीवुड की हर नई फिल्मों के रिव्यू को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखना ना भूलें रिव्यू स्थान।